मेरे नाम सुमित्री देवी। केड़ी जगह तो आए? संपर्क सवला नलोडी। की समस्या है? समस्या साढ़े बाद चो है, बस सू आटो लगना चाहता, बच्चे साढ़े बड़े खज्जल हो, स्कूल जाना बड़े खज्जल हो, आटो उतना लगता नहीं, जो गलाने तो मजाक डे आवा थोड़ा आटो हूँ भी सू मजाक लगनी है, बड़ा आए अभी आटो लीजिए तो अस साड़ी समस्या आई है, तो सू आटो ला गए, साढ़े बच्चे स्कूल टाइम दे जान, टाइम दे घरे जान, जवाना कुड़ियाँ कलियाँ कुछ चलने रस्ते नहीं कल कल कुड़ियाँ जवाना कुछ जान चक लगता बाद गरीब लोग नहीं होंगे समस्या आई आटो लाए पहले चलते नहीं चलते पहले कि किराया पहले भी रुपए लेंगे आने जाने अज हूँ आते 200 रुपया लेना 300 200 आज ये हमारे सैंपर सबला से एक डेपुटेशन आया है, हम डीसी साहब के पास आए हैं इनको लेके। स्पेशली आज का जो डीसी साहब के पास आने का मुद्दा था वो ये था कि हमारे इस लॉकडाउन के बाद, जब से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था तो यहाँ की जो रोड सर्विसेज थी वो सारी बंद कर दी गई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, तो उसके बाद से लेके अब तक, अब तो ऑलमोस्ट पूरा सिटी खुल चुका है, तब से लेके अब तक अभी यहाँ पे सैंपर सबला जराई बागतली इस रोड से जो कठुआ से जराई तक का रूट है या बागतली सैंपर सबला का रूट है वहाँ पे अभी कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। तो वहाँ पे गरीब लोगों की जो डेली रोज़मर्रा की मुश्किलें हैं, कोई बीमार हो रहा है, किसी को बच्चों के स्कूल भी अब खुल रहे हैं, किसी को ट्यूशन्स के लिए आना पड़ता है, तो वो सारा बहुत दिक्कत आ रही है। उन्हीं सब के वो मुद्दे लेके आज हम डीसी साहब के पास आए हैं यहाँ के लोकल लोगों को लेके, और इन सब की यही उम्मीद वो है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कुछ लोग जिनके पास ऑटो हैं वो बोलते हैं कि आप स्पेशल ऑटो करके जाओ, 100-200 रुपया पर सवारी के हिसाब से पे करोगे तो फिर आपको लेके जाएंगे। एक गरीब आदमी जिसने 50 रुपये की दवाई लेनी होगी वो 100 रुपये का किराया दे के कैसे, हाउ कम दे कैसे उसको वेरीफाई कर पाएगा, कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएगा। तो उसी सिलसिले में हम डीसी साहब के पास आए हैं कि इनके उम्मीद इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वो जल्द से जल्द बहाल की जाएगी। कितने घर हैं वहाँ पे, कितनी आबादी है लगभग? आबादी आपको मैं बता दूँ, सैंपर सबला जराई भागतली ये मोर देन 500 वहाँ पे 500 से ज़्यादा घर हैं वहाँ पे, बहुत आबादी वाला इलाका है और जो पूरा उस रोड पे डिपेंड है वो सारा, वहाँ पे पहले भी ऑटो और गाड़ियाँ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन चलती थी वो टाइम टू टाइम चलती थी। अगर वहाँ पे आप पूरी तरह से नहीं शुरू कर सकते, एटलीस्ट इनके जो दिक्कत वाला काम है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे एक दो ऑटो से स्टार्ट करें, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जो भी SOP है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि इनकी जो मुश्किल है जो वहाँ पे प्राइवेट जो ऑटोज रखे हैं या जो भी वहाँ की गाड़ियाँ जो उन्होंने लूट खसूट मचाई है उस पर कंट्रोल किया जाए।